ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ट्रैफिक है और वहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई सारी गाड़ियाँ आपस में लड़ी हुई थी। एम्बुलेंस रेस्क्यू टीम एक लड़के की बॉडी को CPR दे रही होती है जिनसे कहानी का मेन लीड यूसुके बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। दरअसल ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि यूसुके की ही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अब मर चुका है। अब यहाँ से हमें कहानी को 4 घंटे पहले ले जाया जाता है जहाँ पर यूसुके को खाया जाता है, जो कि एक बहुत ही जिद्दी हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे अपनी पढ़ाई से ज्यादा मतलब लड़ाई झगड़े में है। वहीं उसकी दोस्त केक्यू यूसुके को इन सब चीजों से दूर रखना चाहती है, लेकिन यूसुके उसकी कोई भी बात नहीं मानता। वहीं हमें दूसरी तरफ एक बड़ा सा होल सिंह दिखाया जाता है जिसमें से एक कीड़ा बाहर आकर बैठता है और वो उड़ते हुए पूरे शहर में घूम रहा होता है और वो जाकर एक ट्रक ड्राइवर के नाक में घुस जाता है, जिससे कि वो ट्रक ड्राइवर पोजेस हो जाता है और वो गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें यूसुके को दिखाया जाता है जहाँ क्लास के बाहर कुछ लड़के एक मासूम से लड़के किरानो को बुली कर रहे होते हैं। किरानो को यूसुके बचाता है। इसी दौरान बुली करने वाले लड़कों से उसकी लड़ाई हो जाती है जिससे कि प्रिंसिपल यूसुके को ही गलत समझता है। इसके बाद यूसुके जब घर आता है तो उसकी मॉम उसे डांट लगाती है कि तुम सारा दिन लड़ाई झगड़ा ही करते हो, तुम अपनी पढ़ाई पर कब ध्यान दोगे। दरअसल यूसुके की मॉम सिंगल पेरेंट है, इसलिए वो यूसुके को लेकर हमेशा टेंशन में होती है। यूसुके का अपनी मॉम से कहा सुनी हो जाने की वजह से वो घर पर खाना नहीं खाता बल्कि खाना खाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ रास्ते में उसकी एक और हाथापाई हो जाती है एक कुवाबरा नाम के एक लड़के से, जो अक्सर यूसुके से लड़ता है और खुद ही पीट कर वापस चला जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर यूसुके को एक छोटा बच्चा मशारू दिखाई देता है जिससे वो थोड़ी बहुत बातें करता है और खाना खाने चला जाता है। इधर मशारू सड़क पर खेल रहा होता है तभी वो ट्रक ड्राइवर तेजी से गाड़ी चलाते हुए आता है और वो जैसे ही मशारू को हिट करने वाला होता है उतने में ही यूसुके मशारू को बचा लेता है, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाता यानी कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो उसी एक्सीडेंट में मर जाता है। इससे तो आप समझ ही चुके होंगे कि जो सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था वही सेम सीन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जब एम्बुलेंस यूसुके की बॉडी को लेकर जाते हैं तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम बोटान है। वो यूसुके को बताती है कि वो ग्रिम रीपर है। बोटान यूसुके से कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम किसी की जान भी बचा सकते हो, और वो यूसुके को स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाती है क्योंकि अभी यूसुके के मरने का समय नहीं आया, जहाँ पर वो दोनों बोट से जाने लगते हैं और ये जगह लिक्विड से भरी हुई है। स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के बाद पता चलता है कि यनमा की जगह वहाँ पर उसका बेटा योनामा बैठा था, जिसका काम धरती से आए स्पिरिट को हेलिया हेवन में भेजना है, और वो यूसुके को बताता है कि उसके मरने का अभी टाइम हुआ ही नहीं है तो वो हेल या हेवन में नहीं जा सकता और यूसुके को वापस जिंदा भी कर सकते हैं, लेकिन उसे उसके लिए काम करना होगा उनका एजेंट बनकर। आगे योगामा यूसुके को समझाता है कि शहर में जो बड़ा सा सिंक होल बना है उसके अंदर उकाई यानी डीमन है, जो कि धीरे धीरे बाहर आकर लोगों को अपने वश में कर उन सभी को डीमंस बना रहे हैं, जैसे कि उस कीड़े को हमने देखा था वो भी डीमन ही था जिसने ट्रक ड्राइवर को पोजेस कर लिया था। उन डीमंस को रोकने के लिए हमें स्पिरिट वर्ल्ड से जाना पड़ा जिन्हें हमने बीच में ही रोक दिया, लेकिन अब वो डीमंस और भी शक्तिशाली हो रहे हैं और उन्हें रोकना अब आसान नहीं है, इसलिए तुम हमारे एजेंट बनकर वापस धरती पर जाओ और उनके वहाँ आने का कारण और उन्हें कैसे खत्म किया जाए तुम इसका पता लगाओ। ये सारी बातें सुनने के बाद यूसुके अचानक से कहता है कि मैं तो वापस अपनी दुनिया में जाना ही नहीं चाहता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत पर रोने वाला कोई नहीं है बल्कि सब खुशी होंगे कि मैं उनके लाइफ से चला गया। जिस पर गुमायो कहता है कि इस बात का पता तो तुम्हें वापस दुनिया में जाकर ही लग सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें शहर के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन साकियो को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे बिजनेसमैन तात्सु से उसके सिंक होल को खरीदने की बात कर रहा है और बदले में उससे मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार है। दरअसल साकियो को सब पता होता है कि ये होल से डीमंस के आने का रास्ता है और वो जानबूझकर इस होल को खरीदना चाहता है। वहीं हम देखते हैं कि यूसुके वापस धरती पर आ जाता है और वो अपना फ्यूनरल देख रहा होता है जहाँ उसकी मॉम बहुत सैड होती है और माशुरा भी अपनी मॉम के साथ आया होता है। वहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड क्योको का बुरा हाल होता है और दूसरी तरफ उसका राइवल
कुवाबुरा भी उसकी ट्रिब्यून पर आता है। इन सभी को खुद की मौत पर रोता देख युसुके अपना मन बदल देता है और वो वापस जिंदा होने के लिए मान जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जिस लड़के किरिनो को युसुके ने बुली बॉय से बचाया होता है उसे फिर से वो बुली कर रहे होते हैं। तभी किरिनो के अंदर वो डीमन का कीड़ा आ जाता है और वो बहुत ही ताकतवर होकर उन बुलीज को मारना शुरू करता है। ये सब देख कर ग्योमामा को बताता है कि डीमन ने एक लड़के को अपने वश में कर लिया है जो कि काफी सारे लोगों की जान ले रहा है, इसलिए तुम्हें उसे कंट्रोल करने के लिए जाना होगा। इसलिए युसुके उसी जगह पर आता है, लेकिन वहाँ पर युसुके का घर में आग लग गई थी जिसमें उसकी बॉडी होती है, जिसे बचाने के लिए उसकी फ्रेंड अंदर जाती है, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल गई होती है कि क्योको को बचाने के लिए युसुके भी अंदर आ जाता है। तभी क्योको के ऊपर छत गिरते हुए देख युसुके उसे रोक देता है, जिसके लिए उसके पास कुछ शक्तियां आ जाती है जो कि ब्लू लाइट जैसी चमक रही होती है। युसुके अपनी फ्रेंड को बाहर निकालता है और वो सीधा किरिनो के पास जाता है। किरिनो अभी तक पूरी तरह से डीमन में बदल चुका था, जिस पर काबू पाने के लिए युसुके की शक्तियां एक्टिवेट होने में अभी थोड़ा समय ले रही थी। तब युसुके किरिनो के अंदर की नेगेटिविटी को कम करने के लिए उसकी अच्छाइयों को उसके पॉजिटिव साइड के बारे में उसे याद दिलाता है। तब तक युसुके की शक्तियाँ पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है तो वो किरिनो के अंदर से डीमन को निकाल कर उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युसुके को वापस जिंदा देखकर कियोकी और उसकी मॉम दोनों बहुत खुश होते हैं और वही ग्योमनो और बोतन आपस में बात कर रहे होते हैं कि युसुके के लिए अब आगे का रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब उसे तीन बड़े डीमंस का सामना करना होगा जिनके पास तीन बड़े डेंजरस चीजें जिससे कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि ग्योमनो युसुके को उसकी उंगलियों की मदद से गन चलाना सिखा रहा होता है, क्योंकि यही एकमात्र हथियार है जो कि युसुके को डीमन से लड़ने में मदद करेगा। यहाँ पर ग्योमनो युसुके को बताता है कि उसे तीन डीमन से लड़ना होगा जिनका नाम हिया, गोकी, कुजामा है, जिन्होंने तीन बड़े हथियार चुरा लिए है जो कि ऑर्ब, मिरर और नाइफ है। नेक्स्ट सीन में हमें गोकी को दिखाया जाता है जो कि उस ऑर्ब में छोटे मासूम बच्चों के स्पिरिट को कैद कर लिया है, जिससे कि वो बच्चे कोमा में चले गए हैं और गोकी को जैसे ही भूख लगेगी वो ऑर्ब में से बच्चों का स्पिरिट खा लेगा जिससे बच्चे तुरंत वहीं दम तोड़ देंगे। युसुके ये सब सुनने के बाद उन बच्चों की हालत देख बोटन से कहता है कि मैं इन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। बोटन उसे कहती है कि अभी तुम्हें अच्छे से गन चलाना भी नहीं सीखा है, इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, जिस पर युसुके कहता है कि मैं ऐसे ही उन डीमन से लड़ूंगा। वहीं युसुके को कुवाबरा मिल जाता है जिससे युसुके डीमंस और पावर इन सब की बातें करता है, जिस पर बोटन उसे खींच कर बाहर लेकर जाती है, जिसे कुवाबरा भी देख पा रहा था, जिससे कि कोई आम इंसान नहीं देख पाता, यानी कुवाबरा में भी कुछ तो स्पेशल है। आगे हम देखते हैं कि बोटन और युसुके गोकी को ढूंढ रहे होते हैं, जहां बोटन युसुके को बताती है कि गोकी बिल्कुल इंसानों जैसा दिखने वाला डीमन है, वो इंसानों के बीच रहकर उन पर अटैक करता है, इसलिए हमें इंसानों के बीच ही उसे ढूंढना होगा। इसके बाद हम युसुके को देखते हैं जो कि मशारू से मिलने जाता है। मशारू उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू करता है और उसे अपने दोस्तों की तबीयत खराब होने के बारे में भी पूछता है, जिस पर युसुके उसे इधर उधर की बातें करके वहाँ से बाहर निकालता है। तभी वो गोकी को देख लेता है जो कि वो ऑर्ब लेकर जा रहा था। वो उसका पीछा करते हुए युसुके जाता है और फिर उस पर अटैक करता है। गोकी अभी अपने डीमन रूप में आ जाता है और वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। युसुके अपने पावर्स का अच्छे से इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से वो गोकी से हार रहा होता है और गोकी लगातार युसुके पर हमला कर रहा था। इन्हीं दोनों की लड़ाई कुमारा दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है, लेकिन वो किसी की भी मदद नहीं करता। तभी वहाँ मशूरा आ जाता है और वो गोकी को इनोसेंस आवाज में धमकी देने लगता है, जिससे गोकी उसकी भी स्पिरिट को कैद कर लेता है और उसे खाने ही वाला होता है कि युसुके अपने पावर से उस पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। गोकी के मरते ही ऑर्ब में कैद सारे बच्चों के स्पिरिट्स वापस चले जाते हैं और सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। युसुके बोटन से कुरामा के बारे में पूछता है, जहाँ वो उसे बताती है कि हमें उसके बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं, लेकिन उसके मिरर को चुराया है और उसे मिरर के जरिए फुल नाइट के दिन अगर आप कोई भी विश मांगे तो वो विश पूरी हो जाएगी, इसलिए तुम्हें कुमारा से वो मिरर लेना होगा, नहीं तो दुनिया में कुछ भी गलत हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में युसुके को कुमारा दिखाई देता है, जिसका पीछा करते करते वो हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर कुमारा की मॉम बीमार होती है। कुमारा अपनी कहानी युसुके को बताने लगता है कि 17 साल
पहले वो किसी ताकतवर डीमन से बचने के लिए एक औरत के वोम में छुप गया था और उसने सोचा समय आते ही वो वहाँ से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके निकल जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसकी माँ की ममता ने उसे रोक लिया और उसके बाद उसकी मॉम की तबीयत भी खराब हो गई थी, जिन्हें छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता। इसलिए उसने मिरर को चुराया है ताकि वो अपनी मॉम की बीमारी को ठीक कर सके और उन्हें मरने से बचा सके। कुरामा युसुके से कहता है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई भी आम आदमी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैं एक डीमन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सारे डीमन बुरे नहीं होते, उनमें अच्छाइयाँ भी होती है। ये सारी बातें सुनने के बाद गुमाया बोतान युसुके कुरामा की फीलिंग से रिलेट हो पा रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी उसकी विश पूरी नहीं करने दे सकते क्योंकि जैसे ही उसकी विश पूरी होगी किसी न किसी की जान जरूर जाएगी। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुवाब्रा युसुके को बोतान से कह रहा होता है कि वो किसी भी डीमन पर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि सारे डीमन्स बुरे होते हैं, चाहे वो कितने भी इनोसेंट दिखे, लेकिन युसुके उसकी कोई बात नहीं मानता और वो कुरामा की मदद करने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ कुरामा ने पहले से ही अपनी विश मांग ली होती है। और जैसे कि विश मांगने पर किसी की एक जान जानी होगी तो कुरामा की जान जा रही होती है, तभी युसुके अपनी आधे जान देकर कुरामा को बचा लेता है और इसके बाद कुरामा की मॉम भी ठीक हो जाती है और कुरामा और युसुके दोनों को जिंदा देखकर क्वाब्रा बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिजनेसमैन साकियो को तैत्सो अपना सिंक होल दे देता है जिसके बदले में साकियो उसे एक युकाई नाम की लड़की देता है जिसके रोने पर एक बहुत ही कीमती मोती बनते हैं जिसे टियर ऑफ आइस कहते हैं, लेकिन हीए उसे चुरा लेता है जिससे गुस्सा होकर टैत्सो उसे अपनी डील तोड़ना चाहता है। साकियो उसे बहुत मनाता है और कहता है कि तुम युकाई को लेकर मेरे घर आ जाओ जहां मैं उस युकाई को रुला कर तुम्हें बहुत सारे टियर ऑफ आइस दूंगा जिसमें मेरी मदद उसके दो भाई करेंगे जिन्हें मैंने बड़े दिनों से पाल रखा है। साकियो उन्हें कई डीमन से फाइट करवाता है जिन पर उसके गेस्ट पैसा लगाते हैं। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उकाई को वहां से भगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साकियो के आदमी उसे पकड़कर मार देते हैं और ये देखकर उकाई खूब रोती है जिससे खूब सारे टीयर्स ऑफ आइस बनते हैं जो देखकर तैत्सो बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हीए तैत्सो के घर के बाहर आ रहे सभी लोगों को मारता है ताकि वो टीयर ऑफ आइस को ले सके। जिस बात का पता युसुके को चलता है कि तैत्सो के घर के बाहर उसे हीए मिलेगा तो युसुके उसे नाइफ लेने के लिए वहाँ चला जाता है, लेकिन हीए नाइफ की पावर से इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि वो युसुके को आसानी से हरा देता है जिसके बाद युसुके वापस चला आता है और अपनी हार की वजह पूछने पर बोतान उसे बताती है कि तुम्हारे पास अभी बहुत कम पावर्स है जिसके लिए तुम्हें हमारे गुरु गैंकाई के पास जाना होगा, वही तुम्हें तुम्हारे पावर्स को यूटिलाइज करना सिखा सकती है। इन सभी की बातें क्वाब्रा भी सुन रहा होता है और वो भी युसुके के साथ मास्टर गैंकाई के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर गैंकाई क्वाब्रा की परफॉर्मेंस से बहुत खुश होती है क्योंकि वो कोई स्पिरिट एजेंट नहीं है लेकिन उसके अंदर कुछ कर गुजरने का फायर है, इसलिए मास्टर उसे लकड़ी के तलवार से पत्थर काटने का टास्क देती है। क्वाब्रा बिना कुछ कहे अपने काम में लग जाता है तो वही दूसरी तरफ मास्टर युसुके को उसकी पावर से दो उंगलियों पर उल्टा खड़ा होने का कहती है जिसमें युसुके कामयाब नहीं होता और वो लगातार कोशिश करने के बाद कुछ रेस्ट लेने के लिए बाहर आता है जहां वो क्वाब्रा को लगातार पत्थर काटने का ट्राई करते हुए देख बड़ा इम्प्रेस होता है और मास्टर भी उसकी काफी तारीफ करती है। नेक्स्ट सीन में हमें कुरामा दिखाया जाता है जो कि हीए के पास आकर उसे नाइफ मांगता है क्योंकि कुरामा युसुके को नाइफ देकर उसको थैंक यू करना चाहता है क्योंकि युसुके ने उसकी इतनी बड़ी मदद की थी, लेकिन हीए उसकी बात नहीं मानता जिस पर कुरामा कहता है कि अगर तुम मुझे नाइफ दे दोगे तो हम तीनों मिलकर तुम्हारी बहन को ढूंढ लेंगे। दरअसल युकाई हीए की बहन है इसलिए उस टियर ऑफ आइस के जरिए अपनी बहन युकाई को ढूंढ रहा था।